ये मजबूरी हो गई है कि बिहार में नीतीश कुमार को वो ले है ताकि वो बैकवर्ड चेहरा बन के कुछ तो मेकअप करें जी। ला, ल, लालू को काउंटर करने के लिए तो नीतीश कहीं से भी नेता नहीं है नेता नहीं मान नहीं नहीं नीतीश है वो तो सिचुएशन का प्रोडक्ट है क्रेडिट लालू यादव और कांग्रेस को चला गया नेशनल लेवल पे कांग्रेस को चला गया राहुल गांधी ने इसको बिहार इसको में आरजेडी के लोग ले रहे हैं आरजेडी के लोग ले रहे हैं कि ये मेरा किया हुआ है झूठ बोलते हैं ये नेता कि बिहार में विकास हुआ है विकास पुरुष बना दिया नीतीश को मुझे हंसी आती थी कि कोई नीतीश को भी विकास पुरुष कह सकता है इसने तो देश मतलब बिहार को खत्म कर दिया तो है पॉलिटिक्स से समाज सुधार आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पॉलिटिक्स में वोट के याचक होते हैं वोट की भीख मांगते हैं और भिक्षा में शक्ति नहीं होती नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज आज मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह हैं आज एन के सिंह जी से जानेंगे कि बिहार में अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या होगा क्या नीतीश कुमार के सामने कोई सीएम कैंडिडेट है विपक्ष में क्या तेजस्वी यादव होंगे या फिर प्रशांत किशोर या कोई और होगा सर जिस तरीके से बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के सुबुगाहट तेज़ हो गई है नीतीश कुमार भी दम भर रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं के अंदर और वो कह रहे हैं कि लक्ष्य बड़ा रखना है 2010 से भी बड़ा लक्ष्य है 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा है कि 220 सीट एनडीए को चाहिए क्या नीतीश कुमार के पास वो आज के समय में, में पॉलिटिकल ताकत बची हुई है जिससे वो एन को 220 सीट दिला सकते हैं देखिए नीतीश कुमार के एनालिसिस हम लोग अक्सर गलत कर जाते हैं वो एक सिचुएशन के प्रोडक्ट हैं एक मजबूरी के प्रोडक्ट हैं और सच पूछिए तो वो वहाँ की जनता का अभी भी डेवलपमेंट पैरामीटर्स को लेके सोच बहुत समुन्नत ना होने की वजह से एक प्रोडक्ट है जो कि एक एक प्रजातंत्र का एक अजीब सा एबरेशन है एक मतलब यू कहिए कि अपवाद हैं जी हम लोग गलती से उन्हें नेता समझ लेते हैं तो नीतीश पॉलिटिकल फॉर्मेट के प्रोडक्ट नहीं हैं नीतीश एक सिचुएशन के प्रोडक्ट है अनफॉर्चुनेटली चूँकि दो तीन फैक्टर्स हैं जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट को समझना चाहिए जी। आ, जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा है बारह चौदह से ज़्यादा है वहाँ पे रीजनल फोर्सेज और वो मिलके एक फॉर्मिडेबल कम्बिनेशन बनता है एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है ये काम आप गुजरात में नहीं कर सकते जहाँ दस परसेंट से कम, मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते जहाँ सात परसेंट है वहाँ बाईपोलर होगा कांग्रेस और बीजेपी होगी लेकिन वहाँ पे जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी 15-16 परसेंट हो जैसे यूपी में 19 परसेंट है जी। तो यूपी में आप मुलायम सिंह को भी देखेंगे मायावती को भी देखेंगे कभी कूद के मुसलमान इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है कभी कभी कांग्रेस के साथ भी चला जाता है जी। तो ये बेसिक समझना पड़ेगा कि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन और उसके साथ यादव फॉर्मिडेबल प्रेजेंस अब अगर मुसलमान और यादव हैं तो कोई छोटा सा एक जाति और चाहिए वो मिल जाएगा तो हो जाएगा सरकार बन जाती सरकार बन जाती है तो लालू के अस्तित्व का ये कारण है बीजेपी के ना आने का भी कमोबेश यही कारण है कि हिंदू कॉन्सॉलिडेशन इसलिए नहीं हो पाया कि डिवीजन बहुत शार्प थे क्योंकि विकल्प के रूप में अन्य जातियों के पास कोई लालू यादव होता था एक बड़े बड़े इलाके में एक जमाने में तो करीब सात ज़िलों में बारह ज़िलों में जब मेरा कैलकुलेशन था कि बारह ज़िलों में माले का प्रभाव रहा सत्ता में आना वो तो एक अलग वो तो मैनिपुलेशन है लेकिन बिहार में बीजेपी को यह सोचना होगा कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने से और कास्ट डिवीज़न पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और जनता भी चूँकि एग्रेरियन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है आप बिहार में एवरेज लैंड होल्डिंग सिक्स हेक्टेयर है इतने में लोगों के मकान होते हैं, मकान होते हैं। तो इस वजह क्या है कि और यह भी छोटा होता जा रहा है इसलिए लैंड पे प्रेशर है विकास हुआ नहीं है नीतीश कुमार इसीलिए पॉलिटिकल लीडर नहीं है बीजेपी का अपना एक सर्टेन परसेंटेज चौबीस से तीस के बीच में हॉवर करना रेंज करना ये मजबूरी हो गई है कि बिहार में नीतीश कुमार को वो ले आए ताकि वो बैकवर्ड चेहरा बन के कुछ तो मेकअप करें जी ला, ल, लालू को काउंटर करने के लिए तो जो बाकी बैकवर्ड हैं कुर्मी काछी ये लोग हैं इनको वो साथ रख सकते हैं और फिर एक जाता है कि मोदी भी बैकवर्ड हैं नीतीश भी बैकवर्ड हैं तो फिर कुल मिला के तो नीचे के कुछ बैकवर्ड आ ये उसके पीछे है तो नीतीश कहीं से भी नेता नहीं है अब नेता नहीं मानते नहीं नहीं नीतीश है वो तो सिचुएशन का प्रोडक्ट है नीतीश कुमार नीतीश कुमार उस स्थिति के प्रोडक्ट हैं और वो स्थिति ऐसी है कि नीतीश को आपको रखना मजबूरी वो लालू को भी रखना पड़ेगा नीतीश को जी। क्योंकि एक तरफ हिंदू कॉन्सोलिडेशन के जद्दोजहद चल रहा है और ये इतना नहीं हो पाता है कि सारे के सारे बैकवर्ड मिल जाए अब इसकी काट क्या निकली है जो नीतीश के लिए खतरा बनेगी इसकी काट ये निकली है कि जैसे ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी और ये करके आपने कास्ट सेंसस कराया तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट लालू यादव और कांग्रेस को चला गया नेशनल लेवल पे कांग्रेस को चला गया राहुल गांधी ने इसको बिहार इस में आरजेडी के लोग ले रहे हैं आरजेडी के लोग ले रहे हैं कि यह मेरा किया हुआ है अब देखिए यहां पे क्या है हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियां होती कितनी हैं इस पूरे देश में डेढ़ करोड़ सरकारी नौकरियां हैं बारह करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं और खेती में करीब इस समय लेटेस्ट कैलकुलेशन जो आया है करीब अड़तालीस करोड़ लोग हैं जो खेती से अपना ले रहे हैं तो सरकारी न... अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबका बता रहे बिहार में पाँच लाख आप जानते हैं कितने कर्मचारी हैं बिहार का औसत नेशनल औसत का एक पांचवा हिस्सा है सरकारी कर्मचारियों का अगर कोई दिल्ली में बच्चा पैदा होता है चंडीगढ़ में या गोवा में पैदा होता है तो जानते नौ गुना ज्यादा उसकी प्रति व्यक्ति आपते जिस दिन पैदा हो रहा है धरती पर दिन से उस दिन से नौ गुना ज्यादा उसकी प्रख्यापिटा आमदनी होगी तो वो गरीब आदमी वहां से भागेगा यहां आके रोजी रोटी कमाएगा सब्जी बेचेगा ठेला चलाएगा बिहार ने ये दिया है झूठ बोलते हैं ये नेता कि बिहार में विकास हुआ है विकास पुरुष बना दिया नीतीश को मुझे हंसी आती थी कि कोई नीतीश को भी विकास पुरुष कह सकता है इसने तो देश मतलब बिहार को ख़त्म कर दिया है और कह रहे हैं कि बिहार को हमने आगे बढ़ा इसलिए कि आंकड़े जनता नहीं देख रही है आंकड़े देखे तो एक बहुत अच्छा था बिहार में ज, जमीन में पानी बहुत अच्छा है ज़मीन बहुत अच्छी है पानी बहुत अच्छा है अगर आप मॉडर्न खेती करते हैं जी आप यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मक्का पैदा होता है बिहार में है। बिहार में हाई मक्का मक्का पैदा होना काफ़ी अच्छा पैदा होता है अगर इसी को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते कुछ नहीं बगल में ही एक छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के करते दूसरा द, द, वाटर टेबल बहुत ऊपर है बाढ़ वगैरह आती है तो वाटर बॉडीज़ हमारी काफ़ी नबी काफ़ी है नमी में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है ग, गन्ना को पानी बहुत चाहिए चावल को पानी बहुत चाहिए कर्नाटक आंध्र प्रदेश जहाँ की पानी जमीन पे है पंजाब जहाँ के पानी खत्म हो रहा है वहाँ के लोग चावल और गेहूँ उगा रहे हैं काफी ज़्यादा उगा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं तो नीतीश को एक एक नेता कहना कि वो वाकई कोई नेता है जो कि समाज के प्रति समर्पित है ये बिल्कुल गलत है वो सिचुएशन के प्रोडक्ट है नीतीश कभी भी नेता रहे ही नहीं वो सिचुएशन के प्रोडक्ट है बीजेपी की मजबूरी है इसलिए है लालू यादव की मजबूरी है इसलिए है दोनों के बीच में कूदते रहते हैं और नैतिकता वैतिकता है नहीं इसलिए है जिस दिन नैतिकता नीतीश के आ जाएगा उस दिन नेता ही नहीं रहेंगे वो इस आप दो में सर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव चिराग पासवान इन लोगों को कहाँ देख रहे हैं आ, नहीं इसमें देखिए फिर एक पेज है मोदी की मकबूलियत घट रही है बहुत तेज़ी से मोदी ने जो दावे किए और जो रियलाइजेशन आया वो अब जनता देख रही है कि कोरोना के बाद से वो लड़का जब फिर से शहर आया तो कोई काम नहीं मिला उसको वापस गया तो बाप के ही काम में लग गया वही दूध के काम में लग गया मोदी ने क्या किया कि एक नया उसमें रोजगार में कॉलम दे दिया अनपेड फैमिली वर्क और इन सब को कह दिया सब रोजगार में है सब रोजगार में है तो मोदी जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से मोदी की मकबूलियत घटी है लालू यादव के पॉलिटिक्स की सीमा है शार्पेंट जैसे ही क्योंकि यादव एसर्टिव होता है एसर्टिव होता है तो ठीक नीचे का जो वर्ग है और एग्रेरियन सोसाइटी है

क्योंकि एसर्टिव कम्युनिटी है यादव यादव एसर्टिव कम्युनिटी है तो नीचे का वर्ग आपसे कहीं छिटक है जाता छिटक जाता है, है। कहीं इधर उधर चला जाता है और तभी तो वजह ही कोई माझी निकलता है कोई कोई सहनी निकलता है आखिर ये सहनी क्यों निकलते हैं अगर ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस हो लालू का बैकवर्ड पे और वाकई मसीहा हो बैकवर्ड के तो सत्तर तो ये संकट कहाँ है तो फिर और तो सत्तर जानते कितना डेमोक्रेसी में उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं है सत्तर तो छोड़िए भारत के डेमोक्रेसी में साठ परसेंट चालीस परसेंट से अगर ऊपर हो गया तो आपको टू थर्ड्स मिलना शुरू हो जाता है असेंबली में तो लिहाजा लालू की ये प्रॉब्लम है अब आते हैं प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता रहे उभर रहे हैं और एक बार जनता को विश्वास करना चाहिए प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर को देखें ट्राई करें जब सबको ट्राई कर रहे हैं और जिसको ट्राई कर रहे हैं वो पाला बदल के दूसरे वाले में चला जा रहा है तो जनता बिहार की कई बार ठगी गई है तो अगर प्रशांत किशोर को एक बार ट्राई करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कोई क्यामत वर्पा नहीं हो जाएगी प्रशांत किशोर को देखें अगर वो कर सकते हैं अब प्रशांत किशोर की, की प्रॉब्लम क्या है कि प्रशांत किशोर ने एक्सेसिव दलित और बैकवर्ड वोइंग शुरू कर दी है जो इस समय कॉन्सोलिडेशन उन्होंने भी देखा कि कांग्रेस ले जा रही है वो जिसकी हिस्सेदारी साझेदारी वो सब नारा है तो ये भी फंस गए हैं तो उन्होंने पहले ही से शुरू करना हमारा दलित चीफ मिनिस्टर या ये सब कहना शुरू किया ये पॉलिटिकल मजबूरी है प्रशांत शायद ये ना करते जी अगर पॉलिटिकल मजबूरी ना अगर ना ये मजबूरी और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में है तो आपको ये सब करना पड़ेगा ये पॉलिटिक्स समाज सुधार है ही नहीं है ये बड़ा अच्छा इसका वो है कि पॉलिटिक्स से समाज सुधार आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पॉलिटिक्स में वोट के याचक होते हैं वोट की भीख मांगते हैं और भिक्षा में शक्ति नहीं होती आप उसी के दरवाजे खड़े होंगे जो रोज़ देता है और बगल वाला नहीं देता तो ताकेंगे भी नहीं उसकी तरफ जी तो ये याचना कद की दुनिया है प्रशांत किशोर की, की अच्छे व्यक्ति हैं करना चाहते हैं लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल फंस गए पॉलिटिक्स की अपनी प्रॉब्लम है प्रशांत भी वैसे ही फंसेंगे जैसे ही सत्ता का खेल करेंगे तो फंस गवर्नेंस के लिए नीतीश कुमार अब मुआफिक नहीं है अब गवर्नेंस जटिल होता जा रहा है और उसमें कमिटमेंट चाहिए नीतीश को तो आप ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं वो चार छः ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चला रहे हैं तो नीतीश के लिए आप गवर्नेंस आएगा नहीं मैंने देखिए तेजस्वी या बहुत बहुत स्टडी नहीं किया है आ, हम नहीं कह सकते कि गवर्नेंस लेकिन एक बात तो है कि जैसे ये जॉब्स का था जी कोशिश करके मुझे मालूम है कि जो गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्सिटीज जटिलताएं तो वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसके लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो तो अभी नहीं है लेकिन गवर्नेंस बहुत चीज़ों से चलता है और बहुत ब्यूरोक्रेट्स अगर आपने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स दिए जी तो वो आपको ये सिखा पढ़ा लेंगे समझा लेंगे आप सिर्फ अपने थाट्स दे दीजिए इम्प्लीमेंट वो कर लेंगे तो तेजस्वी एक अच्छे हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन क्या तेजस्वी को या किसी प्रशांत किशोर को मैंडेट पब्लिक का इतना मिलेगा कि निर्द्वंद होकर वो शासन चलाए या फिर किसी लालू के साथ फिर किसी नीतीश के साथ फिर किसी बीजेपी के साथ आके और वो रोज कालर पकड़ के कहेगा कि देखो जो हम कह रहे हैं वो करो फलाने को ट्रांसफर यहाँ करो फलाने को यहाँ करो इस धंधे में ना पड़ जाए तो बिहार की ये सारी प्रॉब्लम है जनता को चाहिए एक बार प्रशांत किशोर को देखे लेकिन प्रशांत किशोर के लिए मजबूरी क्या है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स अगर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा जी तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे जाएंगे कि भी सवाल है सर वही मुश्किल है ना कि जाएंगे किधर और जाएंगे तो क्या वो समझौते जो होंगे वो जनता को मेरी चिंता बिहार की जनता है जी चिराग पासवान ने दलितों के लिए कौन सा ऐसा क्या काम कर दिया कोई ऐसा काम हुआ है क्या जो कि दलित, लेकिन दलित वोट देता है उनको इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप देखें तो चिराग पासवान ने नीतीश दित, के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की 2020 में 20 मतलब आप आप देखें तो आज तक वो दर्द नहीं गया तो हकीकत यह है कि उनका एक वर्ग में तो सपोर्ट है ना जो उनकी जाति का है उसमें सपोर्ट है और वो इंटैक्ट है भले उनका कुछ भला हो चाहे ना मायावती कुछ नहीं करती अपने परकोटे से उतरती ही नहीं है किस दलित का भला इन बीस सालों में हुआ है लेकिन मायावती हैं लीडर <laughs> हैं एक वर्ग दे रहा है वोट गवर्नमेंट में जॉब है कहाँ गवर्नमेंट में आ, सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं वो पचपन लाख है बाकी स्टेट गवर्नमेंट की एक करोड़ है इससे आपको क्या मिलेगा हर साल डेढ़ लाख लड़के जॉब मार्केट में खड़े हो जा रहे हैं। हो रहे हैं। और पूरे देश में जो सरकारी नौकरियां हैं वो डेढ़ करोड़ हैं इस समय उसमें अगर कुछ परसेंटेज आपको जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा तो इसलिए ये है कि आप रिजर्वेशन इशू नहीं है अगर पांचवें स्थान पे भारत जीडीपी में है तो लोग लोगों के बच्चे कुपोषण से क्यों मर रहे हैं क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत एक और पैंतीस नंबर पर खड़ा है पांचवे नंबर पे अगर जीडीपी में है तो एक सौ मानव में सूचकांक में क्यों खड़ा है मानव विकास सूचकांक में यह कॉलर पकड़ के इन नेताओं से पूछना, पूछना चाहिए, ना बस इतना ही है इससे आप समझ जाएंगे कि नीतीश नेता क्यों हैं नीतीश नेता क्यों चलिए शुक्रिया सर थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद